तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। और पहले तो सभी को बताइए, जिस जिसका सिलेक्शन हुआ है और कमेंट कर दीजिएगा जिन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ग्रुप डी में। अब दोस्तों जो अपडेट आ रही है वो ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट बयानी आप सभी को पता है, और उस लिस्ट से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप सभी को पता है लिस्ट बहुत हाई थी और शायद उसमें हमारा नंबर आ जाए, यही बच्चों की मतलब उम्मीदें हैं अब। और उसी से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। और मैं फिर दोबारा बोलता हूं कि आप सभी को बधाई जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है, और अपने कागजात हैं जो बिल्कुल तैयार रखें, जो जिनको भी फ़ोटोस्टेट वगैरह करानी है ओरिजिनल फ़ोटोस्टेट ज़रूर लेकर जाएँ, ओरिजिनल जो सॉरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि बहुत जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू होने वाली है और मुझे लगता है आज शाम तक भी नोटिस जारी हो जाएगा, कल आपको बुला लिया जाएगा मुझे लगता है, जो अभी लिस्ट कल लगी थी उनको। और अब जो सेकंड लिस्ट है दोस्तों उसको लेकर बड़ी अपडेट यहां पर आई है और मैं आपको बताऊंगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जैसा प्यार आप दिखा रहे हैं यार मेरे को उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिला है मैं बता दूँ, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि जो आपका सेकंड लिस्ट को लेकर दोस्तों बात है वो ये है कि 19 तारीख को आपका मामला है जो कोर्ट में वो निपट जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है ये बताया जा रहा है। और उसके दो दिन बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर यानी 21 तारीख को आपकी लिस्ट लगा दी जाएगी, जो सेकंड लिस्ट है वो आ जाएगी, ये सुनने में आ रहा है। और काफ़ी सारों का सवाल था कि मतलब कोई वीडियो के नीचे की आचार संहिता लगेगी, ये है वो है, तो सेकंड लिस्ट कैसे जारी होगी, ये तो अगले इलेक्शन तक चला जाएगा यानी विधानसभा इलेक्शन तक चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आचार संहिता का यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा और जो आपकी सेकेंड लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी ये बताया जा रहा है। और 21 तारीख तक 19 को मामला निपट जाएगा, 21 तारीख तक आपकी ज्वाइनिंग वगैरह करा दी जाएंगी, ये बड़ी अपडेट है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस भर्ती से जुड़े हर एक अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता रहा हूं, और आपने भी बहुत ज़्यादा फुल सपोर्ट किया मेरे को, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।